इसी में आपको एक और दो ऑप्शन और मिलते हैं, एंटायर रो और एंटायर कॉलम। यानी कि हो सकता है आप गलती से सिलेक्ट कर दो। देखो अगर आप यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करोगे और आप इंसर्ट पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह से ओनली एक सेल पर क्लिक है आपका और फिर आप इंसर्ट पर क्लिक करोगे तो ये देखो सेल इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। और हम अभी कंट्रोल जेड कर देते हैं, इंसर्ट पर हम जा रहे हैं। इसकी ड्रॉप डाउन अगर आप एंटायर रो करोगे तो अभी आपकी रो कितनी सिलेक्ट है, एक सिलेक्ट है, और आप ओके करोगे तो आप यहाँ पर देख रहे हो एक रो इंसर्ट हो गई, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर डिलीट पर जा रहे हो, आप यहाँ से डिलीट सेल्स पर करते हो, एंटायर रो करते हो, तो इससे क्या होगा जो रो सिलेक्ट है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से इसी तरह से आपको एक और कॉलम इंसर्ट करना है तो आप एंटायर कॉलम करो और ओके कर दो, एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ से सिलेक्ट कर रखे हैं 3 या 4 और अब हम यहाँ पर जा रहे हैं इंसर्ट पर, ठीक है। और यहाँ से हम सिलेक्ट कर देते हैं एंटायर कॉलम और ओके। देखो 4 जितने सिलेक्ट रहते हैं उतने ही इंसर्ट हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, इन सभी को डिलीट करना है। तो हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, डिलीट वाले ऑप्शन पर गए और यहाँ से हमने डिलीट सेल्स में एंटायर कॉलम सेलेक्ट किया, ओके करके डिलीट हो, ठीक है। उसका अपोजिट है, ठीक है। मेन तो आपको ये यहाँ से करने की जरूरत नहीं, आप मेन कहाँ से करेंगे, जैसे कि हमें यहाँ पर 2 कॉलम इंसर्ट करना है, अगर एक करना है तो आप एक सिलेक्ट करो, 2 करना है तो आप 2 सिलेक्ट करो, 3 करना है तो आप 3 सिलेक्ट करो, जितने सिलेक्ट करोगे आप उतने यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप क्या करोगे, इंसर्ट पर क्लिक कर दो, देखो 3 इंसर्ट हो गए। उसने फॉर्मेटिंग इस वाले की ले ली, लेकिन देखो 1 2 3 ही है यहाँ पर, 1 2 3 तीन आ गए, ठीक है। अब इन तीनों को हमें डिलीट करना है, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तीनों डिलीट होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर कॉलम इंसर्ट करना है तो आप देखो यहाँ पर आ रहा है इनसाइड सीट कॉलम। इसके लिए ऐसा रहता है जैसे कि आपने इस पर ओनली एक सेल सिलेक्ट है, आप यहाँ से इंसर्ट पर जाओगे, इंसर्ट कॉलम पर क्लिक करोगे तो एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, आप इंसर्ट रो पर क्लिक करोगे तो एक रो इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ऑप्शन रहता है इंसर्ट कॉलम्स, कौन सा कॉलम डिलीट होगा, जो कॉलम सिलेक्ट है। अगर हमारा कॉलम सिलेक्ट है ये वाला, ठीक है, ये कॉलम है हमारा, ये सिलेक्ट है और हमने यहाँ से कर दिया डिलीट सीट कॉलम, इस पर क्लिक किया, देखो डिलीट हो गया वो हमारा। अब वापिस लेकर आना है, कैसे लेकर आएंगे, कंट्रोल के साथ जेड दबा देंगे, गलती से डिलीट हुआ है हमसे, ठीक है। इसी तरह से हमें रो डिलीट करना है, कौन सी रो डिलीट करनी है, ये वाली, तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करो, यहाँ पर आता है इंसर्ट सीट रो, सॉरी डिलीट सीट रो, तो डिलीट हो गए। आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना रहता है, मान लो आपको यहाँ पर 2 रो आपको इंसर्ट कराना, तो साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाओ, ठीक है, कितनी रो इंसर्ट करानी है, 2, इन दोनों को सिलेक्ट करो, ठीक है। इसी जगह पर आप राइट क्लिक करो, ठीक है, नीचे ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट का, बस इस पर आप क्लिक करो, इंसर्ट हो गया। इसी तरह से हमें क्या करना है, इन दोनों को डिलीट करना है, तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, यहाँ पर ऑप्शन आता है डिलीट, डिलीट पर क्लिक, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या करना है, कॉलम इंसर्ट करना है, जितने कॉलम इंसर्ट करने हैं उतने कॉलम आप सिलेक्ट करो, जैसे कि हमने एक ही सिलेक्ट किया है, राइट क्लिक इंसर्ट, एक कॉलम इंसर्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह से हमें इसको डिलीट करना है, राइट क्लिक डिलीट, डिलीट हो गया। लेकिन अगर आपने इस तरह से सिलेक्ट नहीं किया, आपने ओनली एक किसी भी सेल पर क्लिक है और आपने क्या किया, राइट क्लिक और इंसर्ट, वही ऑप्शन आ रहा है जो यहाँ पर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि अपन ने ओनली एक सेल सिलेक्ट किया था, आ गया समझ में, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है इंसर्ट शीट, अभी आप प्लस के साइन पर क्लिक करते हैं तो एक न्यू शीट आपके सामने आ जाती है, ठीक है। ये वही ऑप्शन आपको ये यहाँ पर मिलता है, आप इंसर्ट पर जाओगे, इंसर्ट सीट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक सीट और इंसर्ट हो जाती है, आप यहाँ से जितनी चाहे उतनी सीट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट करनी है तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है डिलीट सीट, कौन सी सीट डिलीट होगी जो आपके सामने अभी खुली हुई है, कौन सी खुली है, हमारे पास 6 नंबर खुली हुई है, हम यहाँ पर जा रहे हैं और डिलीट सीट पर क्लिक कर रहे हैं, देखिए 6 नंबर डिलीट हो गए। दूसरा तरीका रहता है, आप सीट के ही ऊपर राइट क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन आता है डिलीट, आप इस पर क्लिक कर दो तब भी ये डिलीट हो जाती है। नॉर्मली अपन शॉर्टकट का ही यूज करते हैं, राइट क्लिक और डिलीट, ठीक है, आया समझ में, इतना इतने में कोई डाउट है नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन आता है फॉर्मेट, ये थोड़ा सा बड़ा है, अपन इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी आपको इतना ध्यान रखना है
आपको अभी इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो कैसे करना है, इस तरह से आप सिलेक्ट करो जितने, मतलब कॉलम अगर इंसर्ट करना है तो यहाँ से जितने कॉलम इंसर्ट करना है उतने सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और यहाँ से इंसर्ट कर दो, और डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, ठीक है? आया समझ में? जैसे कि हमें क्या करना है, हिंदी वाला कॉलम डिलीट करना है, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और डिलीट कर, हो गया डिलीट, ठीक। कंट्रोल जेड से हम इसको वापस लेकर आ रहे हैं। अब बताइए, इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। मार्कशीट बनाना सभी को अच्छे से आ गया, ठीक। ये वाले ऑप्शन आपको बहुत काम में आने वाले हैं, डिलीट और इंसर्ट वाले, ठीक है? इसलिए आप इनको अच्छे से रिवीजन करके देखना, क्योंकि ऐसा हो सकता है जैसे कि अब आपने यहाँ पर आप मार्कशीट बना रहे हो या कोई अदर लिस्ट आप बना रहे हो और आपने बीच में एक कोई कॉलम छोड़ दिया, तो अब आप क्या करोगे, आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी या फिर इसको इधर किसका आना पड़ेगा। तो नॉर्मल सी आप क्या करोगे, जैसे कि यहाँ पर अपन मान लो नेम वाला कॉलम आप नहीं इंसर्ट कर पाए, तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, इंसर्ट कर दो, तो इस साइड एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है? आए समझ में? तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। और जैसे कि अब एक्स्ट्रा कॉलम हो गया, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, तो राइट क्लिक करो और डिलीट कर दो। लेकिन याद रखना है, अगर आप इस तरह से राइट क्लिक करके डिलीट करोगे तो आपको देखना पड़ेगा क्या डिलीट करना है। रो पर क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, ये वाली रो डिलीट हो जाएगी, कॉलम डिलीट करना पड़ेगा अपन को, और ओके कर दो, ठीक। अब आप रिविजन कर लीजिए, और अगर कुछ पूछना हो तो बताइए, हम